हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी द कुक। आज हम एक बहुत ही स्वादिष्ट महाराष्ट्रीयन ट्रेडिशनल स्वीट डिश बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है पातोड़िया। इसके इंग्रेडिएंट्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले एक नॉनस्टिक पैन ले लेंगे। इसमें हम एक टीस्पून प्योर घी ऐड कर देंगे और इसमें हम ये एक बोल फ्रेश श्रेडेड कोकोनट है, यानी कि ताज़ा नारियल है, ये पूरा अक्खा एक कोकोनट है, इसे मैंने पीसने में कीस लिया है। इसे हम ज़रा सा मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे, हमें ज़्यादा नहीं भूनना फ्रेंड्स। अब हम इसमें ये आधा बोल गुड़ ऐड कर देंगे। आप जितना नारियल लो उसका आधा प्रोपोर्शन गुड़ ऐड कर दो। अब हम इस गुड़ को और ये नारियल को अच्छी तरह से आपस में मिक्स होने तक ज़रा सी देर के लिए भूनते रहेंगे। देखिए, गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है और दोनों चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें आधा टीस्पून इलायची का पाउडर डाल देंगे और इसे ज़रा सा मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ये चॉप्ड काजू है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ये हम इसमें डाल देंगे और इसे ज़रा सा मिला लेंगे। फ्रेंड्स, आप इसमें तिल या खसखस भी ऐड कर सकते हो। बस अब ये मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और इसे हम फ्लेम पर से उतार देंगे। चलिए, स्टफिंग तो हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम चावल के आटे का एक थिक बैटर तैयार करेंगे। मैंने सेम क्वांटिटी का एक बोल चावल का आटा लिया है। इसमें हम 1/4 teaspoon से भी कम नमक ऐड कर देंगे। ये नमकीन है और ये थोड़ा सा मीठा है, दोनों चीज़ें आपस में जब बनती हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अब हम इसमें 1/2 teaspoon प्योर घी ऐड कर रहे हैं, इसे हम ज़रा सा मिक्स कर लेंगे। और अब हमें इसे अपने हाथों से अच्छी तरह से मिलाते हुए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक गाढ़ा सा बैटर तैयार करना है। पानी थोड़ा थोड़ा ऐड कीजिए, वरना इसमें लम्प्स पड़ सकते हैं। देखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी का हमें बैटर तैयार करना है। अब ये पातोड़े बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये हल्दी का पत्ता है, इसे मैंने धोकर अच्छी तरह से कट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर ये अपने हाथों से स्प्रेड कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बड़े आराम से आप पूरे हल्दी के पत्ते के ऊपर फैला दीजिए। इस तरह से जब आप इसमें स्प्रेड कर दें, तब हम इसमें थोड़ा सा स्टफिंग ऐड कर देंगे। बिल्कुल बीचों बीच आप इस स्टफिंग को इस तरह से रख दीजिए और इसे फोल्ड करके इसके सारे एजेस जोड़ दीजिए। ये देखिए, इस तरह से अपनी उंगलियों से दबाकर इस तरह से हमारा एक पातोड़ा अब बॉईल होने के लिए रेडी है। इस तरह से मैं सारे बनाकर तैयार कर लूँगी। आप ट्रे के ऊपर भी लीफ रख के इसके ऊपर बैटर स्प्रेड कर सकते हो। ये देखिए, इस तरह से अब हम इस पर भी स्टफिंग ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से सारी ओर डाल दीजिए। स्टफिंग अगर अच्छी हो तो ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखिए, इस तरह से अच्छी तरह से दबा दीजिए और इसे भी साइड में रख दीजिए।
अब हम इस तरह से सारे पतोड़े बॉईल करने के लिए स्टफ करके रेडी कर लेंगे। ये देखिए, सारे पतोड़े मैंने स्टफ करके रेडी कर लिए हैं। मैंने पानी पहले से ही बॉईल करने के लिए रख दिया है। जैसे इसमें एक उबाल आ जाए तब हम ये पतोड़े इसमें कुक कर लेंगे। देखिए, पानी अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। अब हम पतोड़े इसमें एक एक करके जितने आ सकें उतने डालकर स्टीम करने के लिए रख देंगे। अब हम इसे ढककर 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। 10 मिनट ऑलमोस्ट हो चुके हैं। चलिए हम चेक कर लेते हैं। देखिए, पत्तों का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। हमारे पतोड़े परफेक्टली स्टीम हो चुके हैं। अब हम इन सारे पतोड़े को एक प्लेट में निकाल लेंगे और दूसरा बैच कुक करने के लिए रख देंगे। दूसरा बैच भी मैंने कुक कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे पतोड़े बनकर अब बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया बने हैं ये। ये देखिए कितने अच्छे से ये स्टीम हो चुका है। ये बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। ये 10 मिनट से ज़्यादा इसे ना कुक करें वरना ये फट जाएंगे। ये देखिए कितने बढ़िया दिख रहे हैं। खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है। इस तरह से आप एक बार ज़रूर बनाइए। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे बने हैं ये सारे पतोड़े। आप इस तरह से एक बार ज़रूर बनाइए। महाराष्ट्रीय ट्रेडिशनल स्वीट डिश पतोड़े बनकर तैयार है। वेरी टेस्टी एंड डिलीशियस। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।